राकेश पठानिया का विवादित बयान, राम स्वरूप शर्मा क्या कांग्रेसियों के बाप लगते थे। फिर जागा नूरपुर जिला बनाने का जिन, बोलबा में बोले राकेश पठानिया, रिवर राजा का तालाब बनी सब तहसील तो अब नूरपुर बनेगा जिला। कहा, मोदी की सरकार थी तब लगी सबको वैक्सीन, कहीं पप्पू होता तो आज हम सब लोग जीवित न होते। सोमवार को युवा खेल व वन मंत्री राकेश पठानिया के दो कार्यक्रम हुए, जिसमें पहले गांव गोलवा व दूसरा गांव पट्टा जाटिया में हुआ। जैसा कि सभी जानते हैं कि राकेश पठानिया विवाक बोलने के रूप में जाने जाते हैं। गोलवा में अपने कार्यक्रम के दौरान फिर उनकी जुबान फिसली और एक विवादित बयान दे गए। उन्होंने मंच पर कहा कि सांसद राम स्वरूप शर्मा क्या कांग्रेसियों के बाप लगते हैं। कांग्रेस ने इस बार विधानसभा सत्र के पहले दिन ही वॉकआउट किया। कहा कि उनके पास कोई मुद्दा ना होने के कारण उन्होंने सांसद राम स्वरूप शर्मा की मृत्यु पर सीबीआई की जांच बैठने को कहा कि क्या राम स्वरूप शर्मा उनके बाप लगते हैं। वहीं कहा कि आज नरेंद्र मोदी सरकार के कारण हिमाचल प्रदेश के लोगों का टीकाकरण संभव हुआ। कहा कि अगर पप्पू की सरकार होती तो आज हम लोग यहाँ ना होते। जब भी चुनाव आते हैं तभी राकेश पठानिया नूरपुर को जिला बनाया जाने का राग अलापने लगते हैं। इसी की तर्ज पर गोलवा में भी राकेश पठानिया ने नूरपुर को जिला बनाने का राग अलापा। जब मीडिया ने उनसे जिले के बारे में प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि वे पिछले 15 सालों से जिले की लड़ाई लड़ रहे हैं तथा कहा कि राजा का तालाब वरे को स्वतहसील बना दिया गया है, अब नूरपुर को जिला बनाने की बारी है। राकेश पठानिया चले सत महाजन की राह पर। पट्टा में कार्यक्रम के दौरान राकेश पठानिया ने कहा कि जिस तरह सत महाजन कहा करते थे कि पहला ट्रांसफार्मर में नूरपुर में, दूसरा ट्रांसफार्मर राजा वीरभद्र सिंह शिमला में व तीसरा दिल्ली में कांग्रेस की यूपीए सरकार, इसी तरह कहा कि मैं राकेश पठानिया यहां व शिमला में जयराम तथा दिल्ली में मोदी ट्रांसफार्मर है, बस आप मीटर लगाए वोल्टेज पूरी मिलेगी। वीरभद्र का ट्रांसफॉर्मर, दिल्ली में भी सरकार कांग्रेस की बैठी, दिल्ली में भी हमारा ट्रांसफॉर्मर, दिल्ली में करंट चलता, शिमला भी था, शिमला धूप आता ता तेरे घर पक्का चलता, समझे नहीं गल नहीं सर। अज थोड़ा ट्रांसफॉर्मर बहुत दीदा दिल्ली में लगे, जयराम ठाकुर का शिमला में लगा, नूरपुर में राकेश पठानिया का मंत्री का लगा, जिस दिन फतेहपुर में भी आपका मीटर लग जाएगा भाजपा का, उस दिन आपके काम में भी तेजी आ जाएगी, जो शोर से आपके काम आगे बढ़ेंगे। कांगड़ा से आपका फैसला टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।